हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जीत के बाद 13 नवंबर को विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाते हुए कई तरह की घोषणाएं की। नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले कामों के रोडमैप के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही ग्रुप सी और ग्रुप डी की महिला कर्मचारियों को उनके मन पसंदीदा जिलों में तैनात करने की नीति लागू की जाएगी, जिससे वो घर के नजदीक काम कर सकेंगी। इसके अलावा रात्रि शिफ्ट में काम करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पिछड़े समाज की जातियों के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट के साथ साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 5 लाख आवास भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपए और सहायकों के मानदेय में 400 रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई है। 10 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,000 रुपए, 10 वर्ष से कम अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,000 रुपए और सहायिका को 7,900 रुपए मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में पानीपत की ऐतिहासिक धारा से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में प्रदेश में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान के फलस्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2014 के 861 से सुधार कर 900 अधिक हो गया है। इसके अलावा हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण यानी कोटे में कोटा लागू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। इससे पहले हरियाणा में उच्च शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू किया गया था। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर। इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, हरियाणा की 15वीं विधानसभा का सत्र 13, 14 और 18 नवंबर को 3 दिनों के लिए रखा गया है। सेशन के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं है। वहीं कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र में उतर रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश न्यूज़।